एवरीवन, मेरा नाम है कोमल। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगी इस मॉप को, मॉप यानी पोछे को, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। और ये है ब्रांड स्पॉट ज़ीरो मिल्टन का। मिल्टन एक बहुत अच्छी कंपनी है, जो कि आपने सुना होगा कि वाटर बॉटल्स और टिफिन्स बनाती है। बट उनका एक और सब ब्रांड है जिसको उन्होंने बोला है स्पॉट ज़ीरो के नाम से। स्पॉट ज़ीरो में उनके सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन हो गया था, मेड्स नहीं आ रही थी, तो कई बार क्या होता है कि बैठ के पोछा लगाने में, मॉपिंग करने में घर में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि जो हमारे बेड्स होते हैं या अपना सोफ़ा होता है, उसके नीचे जो है हमारा हाथ बहुत दूर तक नहीं जा पाता है, जिसके वजह से कई जगहों पर अंदर अंदर की तरफ गंदा रह जाता है। तो इसलिए ये जो मॉप्स होते हैं, इनकी ये बहुत बड़ी सी हैंडल होती है जो कि हेल्प करते हैं बहुत अंदर अंदर तक, फ्रिज के अंदर, बेड के अंदर जाने में और हर जगह पर अच्छे से क्लीन करने में। तो आज मैंने सोचा कि मैंने लॉकडाउन में ये इसीलिए खरीदा क्योंकि बैठ के पोछा लगाना मेरे बस की नहीं थी। और ये जितना भी मैं रिव्यू करूंगी वो एकदम ट्रू रिव्यू है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कमीशन मिल रहा है, तो मैं आपको भी फोर्स करूंगी कि आप ले लीजिए। जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं इस टाइप के मॉप, वो आपको 500 600 के भी मिल जाएंगे। बट ट्रस्ट मी गाइस, वो बहुत ही फालतू होते हैं और उनकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी होती है वो भी बहुत ख़राब होती है। मैंने इस प्रोडक्ट को लेने से पहले मार्केट में भी जाके चेक किया था, तो मार्केट में मैंने स्पॉट ज़ीरो भी मुझे मिला था, सेम प्रोडक्ट मिला था, जो कि दुकानदार बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे थे और ऑनलाइन मुझे बहुत अच्छी डील मिल रही थी। ये मुझे 850 रुपीज़ का मिला है और इसकी प्राइस अराउंड 1200 टू 1500 है। दुकान पे वो मुझे 1000 रुपये से कम का नहीं दे रहा था। और मैंने 500 और 400 वाला भी मॉप देखा, बट उनकी क्वालिटी वर्स्ट है, वर्स्ट। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एक ही बार इन्वेस्ट करो, क्या ज़रूरत है कि आप सस्ता खरीदो और उसको चार बार खरीदो। तो ये जो मेरा मॉप है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें जो है ये यहाँ पर व्हील्स लगी हुई हैं, तो इसको आप इजीली जहाँ पर भी लेके जा रहे हो वहाँ ड्रैग कर सकते हो। इसके आगे जो है ये आपका ये खींचने वाला बना हुआ है, तो आप इसको ऐसे स्लांट करके कहीं पर भी ले जा सकते हो, किसी भी कमरे में लेके जा सकते हो। इसके बाद इसके अंदर दो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ये आपका ड्राई करने के लिए है और ये आपका वॉश करने के लिए है। और ये जो यहाँ पर आप छेद देख रहे हो, इसमें जो है आप अपना जो डिसइंफेक्टेंट होता है या फ्लोर क्लीनर होता है वो भी डाल सकते हो। इसके साथ मुझे ये स्प्रे बॉटल भी मिली है, जो कि इसके अंदर ये ऐसे करके फिट आ जाती है। तो अगर आपको जो है कोई भी जैसे डिटॉल डालना है या कुछ भी डालना है, तो आप ऐसे करके यहाँ पर ऐसे दबा दो तो ये इसके अंदर गिर जाएगा। इसकी सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि इसमें दो कंपार्टमेंट्स नहीं है। मतलब आप देखो तो ये जो है सेम है, मतलब ये इसमें अगर आप पानी भरोगे और अगर आप इसमें ड्राई करोगे, तो इसका जो गंदा पानी होगा वो इसके अंदर ज़रूर जाएगा, तो जो आपका पानी है वो गंदा हो जाएगा। कई ऐसे मॉप के जो बॉक्सेस आते हैं, जो ये बकेट्स आती हैं, ये दोनों डिवाइड होते हैं हाफ हाफ में। तो इससे क्या होता है कि आप फ्रेश वाटर में अपने मॉप को वॉश करोगे और उसके बाद जब आप सुखाने के लिए जाओगे, तो वो जितना भी गंदा पानी होता है वो इसमें ड्राई होकर और इसके अंदर चला जाता है। तो ये इसमें एक सिंगल डिसएडवांटेज है कि अगर आपका घर बहुत ज़्यादा गंदा है, तो आपको 2-3 बार बाल्टी का पानी, जैसे हम बदलते हैं पोछे के लिए, वैसे इसका भी जो है पानी बदलना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जब भी आपका जैसे इसमें पानी हो गया, गंदा हो गया, आपको चेंज करना है, तो आप इसको, वैसे तो आप डायरेक्टली ऐसे करके भी पानी को निकाल सकते हो, बट यहाँ पर इन्होंने एक आउटलेट भी दे रखा है, ये रबड़ का आउटलेट है। इसको आप खोल दोगे तो इस टब में जितना भी पानी है वो सारा बाहर निकल जाएगा। समय के साथ कई बार ये वाली जो चीज़ है वो भी गंदी हो सकती है, और अगर आपको इसको भी थॉरली वॉश करना है, तो यहाँ से ये ऐसे करके इसको आप खोलोगे और ये आपका जो पूरा कंपार्टमेंट है वो निकल जाएगा और ये आपको ये बस इतना सा बचता है। तो आप काफ़ी अच्छे से इसकी जो क्लीनिंग है वो कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम इस स्टिक पर।
तो इस स्टिक पर यहाँ पर आपको अपना जो है ये लगाना होगा। इसको आप ऐसे ग्राउंड पे रखकर और ऐसे करके पुश कर दोगे तो ही लग जाएगा ये, और ये कई सारे डायरेक्शंस में मूव हो सकता है। ये जो गोल वाला पार्ट होता है ये अभी स्ट्रेट है, इसको आप फ्लैट भी कर सकते हो जिससे कि अंदर अंदर तक पोछा लग सकता है। और उसके बाद ये जो है ये इसका हैंडल है, तो आप इससे इसको लंबा और छोटा दोनों तरीके से जैसा भी करना है आप वो कर सकते हो। और मतलब ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसका जो मेटल पार्ट है, इसका जो प्लास्टिक का पार्ट है, इसको छूने से ऐसा नहीं लगता कि बहुत फ्लिम्जी है, बहुत नाजुक सा है कि बहुत धीरे धीरे लगाओ। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। फिर उसके बाद मुझे ये जो है, जो ये मॉपिंग हमारा जो फाइबर है, ये माइक्रो फाइबर का बना हुआ है, और ये मुझे सेट में दो मिले हुए हैं। एक मैंने यूज़ कर लिया है, एक अभी ब्रांड न्यू बॉक्स में पड़ा हुआ है। तो इस मैंने जब रिव्यूज़ पढ़े ऑनलाइन, तो उन्होंने किसी और कंपनी के मॉप्स का रिव्यू दिया था कि अगर आप इसको ड्राई करते हैं तो ये सिर्फ 60-70% ड्राई होता है, और जो है थोड़ा गीला सा पोछा लगता है। बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने इसको ट्राई किया तो ये 90% सूख चुका था, 90% सूख चुका था, और इतना क्लीन और इतना अच्छा पोछा लगा इससे। और जहाँ जहाँ पर भी मैंने लगाया वो फटाफट से वो एरिया सूख भी गया, और कहीं कहीं पर दाग से थे वो भी इसने काफ़ी इफ़ेक्टिवली सुखा दिया और अच्छे से मिटा दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि पैसे लगे हैं और मुझे एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी मिला हुआ है। मैंने एक इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो करी हुई है, जो कि मैं इस वीडियो के बाद, मतलब ये जब मैं बोलना बंद करूंगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैसे कैसी चीज़ें, क्या क्या निकला इसमें, और जो है उसको कैसे हम लोग अटैच करेंगे और कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। जो इस प्रोडक्ट का लिंक है वो दोनों पे अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे भी और फ्लिपकार्ट पे भी। मैं दोनों का लिंक आपको नीचे दे दूंगी जिससे कि आप क्लिक कर कर देख सकते हैं। मुझे ये 850 का मिला है, बट ये 996 रुपीज़ का या 1000 रुपये का भी इस समय अवेलेबल होगा। तो आप वेट कर सकते हो, अगर तो आप वेट करके एक अच्छी डील पे ले लीजिएगा इसको, और अगर आपको ज़रूरत है तो आप सोचिए नहीं, 200-300 रुपए ऊपर नीचे होते रहते हैं और आपको एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो। पसंद आया होगा
और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अपने कमेंट्स को ज़रूर मेरे वीडियोस पे दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स को पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय।